हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं, उसी क्रम में हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे बुजुर्गों के लिए कमीज हम किस तरह से बनाते हैं, प्लेटो वाली क्या तरीका होता है इसका, तो बहुत ही डिटेल के साथ हम समझने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कमीज बनाना एक ही बार में आ जाएगा। और दोस्तों, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है हमने वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहां पर जाकर आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें, वहां पर हम आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कमीज की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। ये जो फैब्रिक है उसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है। जैसे ये जो फैब्रिक है वो हमारे सिंगल अर्ज का है, और जैसे आपके पास जो फैब्रिक है वो अच्छे अर्ज में है, डबल अर्ज में है, तो इसे आप कम भी कपड़े को ले सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई रखेंगे, लेंथ, वो रखेंगे 34 इंच, और इसका जो शोल्डर है वो 19 इंच है, 40 इंच इसका चेस्ट है और 38 इंच इसका पेट है यानी स्टोमच, और 24 इंच बाजू की लंबाई है, 15 इंच इसका कॉलर है। तो कपड़े को हम फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो कपड़ा इसका जो फोल्ड करके बिछाया जाता है, जिस तरह से हम कुर्ते के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी बिछाते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए हमने ये एल स्क्वायर की फंटी ले ली है। इससे हमारे जो मार्किंग है वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं मार्क। तो यहाँ से सबसे पहले ऊपर एक मार्क करेंगे, ये मार्क हमने लगा लिया है। इसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे, तो लेंथ है इसकी 34 इंच, 34 इंच, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। आपकी जितनी भी लेंथ है उस हिसाब से आप इस लेंथ का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसका जो बॉटम फोल्ड करेंगे, तो इसका जो बॉटम है वो नाखूनी फोल्ड होता है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच लेके 1/4 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं। अब इसमें जो हमें काम करना है, इसमें जो हम फ्लैकेट के लिए मार्क करते हैं, जैसे हम कुर्ते में फ्लैकेट के लिए मार्क करते हैं, उस तरह से हमारा इसमें मार्क नहीं किया जाता है। इसका जो फ्लैकेट है वो इसी में ही बनता है, कपड़े में, कोई इसमें बकरम डाल के हमारा फ्लैकेट नहीं बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ से हम एक पट्टी को निकाल देते हैं। ये फ्लैकेट के लिए मार्क छोड़ दिया है। अब इसके बाद हम इसके हाले का निशान लगाएंगे, तो हाले का जो निशान है वो सीने के 12वां हिस्सा करके किया जाता है, तो हम यहाँ से 1/3 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर भी हम 1/3 इंच पर मार्क कर लेते हैं। शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर है इसका 19 इंच, 19 इंच, हाफ करेंगे 9.5 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो आर्मोल का जो निशान है वो सीने का 1/4 करके किया जाता है, तो 1/4 हमारा 36 इंच तक सीना है तब हम कर सकते हैं, और इससे ज्यादा है तो हमारा जो फार्मूला है वो अलग होता है। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक जो आपको है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें हम मार्क करेंगे 1/9 इंच पर। अब यहाँ से हम कंधी को डाउन करेंगे, तो यहाँ से हम 1.5 इंच कंधी को डाउन करेंगे, और यहां पर हम जो मार्क करेंगे वो 2 सूत माइनस करके मार्क करेंगे 1.25 इंच पर। जितना भी कॉलर है उसको नोट कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे, 40 इंच इसका चेस्ट है, तो 40 का 1/4 करेंगे, तो हमारा हुआ 10 इंच, और इसमें जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, यानी नॉर्मली लूजिंग इसमें ऐड करेंगे। जैसे आपको ज्यादा लूज पहनना है तो 2.5 इंच भी कर सकते हैं और 3 इंच भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से इसके चाक का निशान लगाएंगे, जो चाक खोलेंगे वो हम खोलेंगे 14 इंच पर, और जैसे आपको थोड़ा सा लंबा चाक खोलना है तो आप 14.5 इंच पर भी खोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम 14 इंच पर ही रख रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके स्टोमच का मार्क करेंगे, पेट का, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 6 इंच पर। हिप पर निशान लगाएंगे, तो जितना चेस्ट पर हमने मार्क किया है उतना ही हिप पर मार्क करेंगे, तो चेस्ट का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच प्लस 2 इंच की लूजिंग, और जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा खुला पहनना पसंद है तो आप 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे, तो जितना हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ था उससे 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क करना है आपको।
अब बॉटम पर मार्क करेंगे तो जितना भी आपने यहां पर मार्क किया है उससे आप क्या करेंगे, हाफ इंच से लेके एक इंच तक प्लस कर सकते हैं इसमें इस तरह से। अब इसमें हम जो है सेव देंगे, तो सेव देने का क्या तरीका होता है, तो यहां से इस तरह से रखेंगे इसको, यहां से इस तरह से निशान लगाना है और यहां से इस तरह से इसको रखेंगे। चाहे तो आप एक बार में ही इसमें इस तरह से निशान लगा सकते हैं। आर्मूल में सेव देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हाथ साध कर आपको सेव देनी है इस तरह से। अब इसमें जो है मैं साइड में पॉकेट भी लगानी है, तो यहां से ये हमारी चाक खुलेगी, यहां से ही हमारी पॉकेट लगाई जाती है। तो यहां से हम मार्क कर लेते हैं 2.25 इंच ऊपर की तरफ और यहां से जो है यहां तक हमारी जो है पॉकेट का मुंह हो जाएगा। अब इसमें जो है हमें गोल में बटन रखना होता है क्योंकि कमीज का जो दामन होता है वो गोल में ही होता है। तो यहां से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए हम इसमें सेव दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने यहां इसकी कटिंग कर ली है। इसके बॉटम में हम दोनों पार्टों में एक साथ में राउंड देंगे, तो इसको हम साथ कर अलग रख लेते हैं। फिर अब आपको इसकी बैक काटना बताते हैं। तो जिस तरह से हमने इसका कपड़ा बिछाया हुआ था उसी तरीके से हम इसकी बैक का भी कपड़ा बिछा, हमने बैक का कपड़ा बिछा लिया है। सीधा हिस्सा हमने अंदर की तरफ रखा हुआ है। अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों इसकी जो बैक है वो संलग नहीं कटती है, इसमें हमारा बैक में तीरा लगता है, उसमें हमारी जो है दो प्लेट्स पड़ती हैं बैक की तरफ। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको बिछाएंगे, लेना है। बिछाने के बाद सबसे पहले हम इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। यहां से हम इस तरह से मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद इसको हम यहां से सीधा कर लेते हैं। अब इसका जो शोल्डर है वो है 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 9.5 इंच, प्लस इसमें जो है हाफ इंच का मार्जिन इस तरह से 10 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसमें जो है हमारे पीछे प्लेट्स भी पड़ती हैं, 2 इंच हमें उसके लिए लेना होता है, तो हम यहां से 1 इंच और बढ़ा देते हैं। तो ये पार्ट डबल में है तो इस तरह से ये हमारा 2 इंच हो जाएगा। तो यहां से इस तरह से रखेंगे और यहां पर जो है हमारा मार्क आ गया है इस तरह से। यहां पर हम मार्क करेंगे, यहां पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहां से हम सिर दे देंगे। मार्किंग होती है इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसमें जो हमारी प्लेट्स पड़ेगी तो इसका हम सेंटर कर लेते हैं, तो यहां से इस तरह से सेंटर करेंगे और इससे हम थोड़ा सा यहां से हटाकर जो है इसकी प्लेट्स डालेंगे। तो यहां से इस तरह से चटका लगा लेना है। अब दोस्तों इसका जो शोल्डर है वो है 19 इंच, तो 19 का आप करेंगे हमारा हुआ 9.5 इंच और बाकी का जो है हमारा प्लेट्स में आ जाएगा। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से बैक की और फ्रंट की हमारी कटिंग हो गई है। हम बैक तीरे की कटिंग करेंगे, तो इसका जो बैक का तीरा है वो डबल में लगाया जाता है और इसका छोटा तीरा लगाया जाता है। तो इस तरह से हम इसको डबल में फोल्ड कर लेते हैं और दोनों तीरों को हम एक साथ में कट करते हैं। यहां से इस तरह से हमने डबल में किया, इसको एक बार और हम इस तरह से डबल में कर लेंगे। अब तीरे की जो लंबाई है वो है 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे 9.5 प्लस हाफ इंच का मार्जिन, तो इस तरह से 10 इंच पर मार्क करेंगे। यहां से इस तरह से हमें सीधा करना है। अब तीरे की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 4.25 इंच। अब यहां से हम बैक का हाला उठाएंगे, तो यहां से उठाते हैं 2 इंच और यहां से साइड से मार्क करेंगे 2.75 इंच पर। और इस वाले पॉइंट से क्या करना है, 2 सूत हमें और बढ़ा लेना है, जिससे हमारा जो है जब हम शोल्डर अटैच करते हैं तो हमारा जो है कॉर्नर नहीं निकलते हैं, अच्छी तरीके से हमारा शोल्डर बैठ जाता है। तो ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो जैसे आपका कपड़ा कम है और कपड़े का अर्ज कम है तो आप सिंगल सिंगल बाजू को कट करेंगे, और जैसे आपके कपड़े का अर्ज अच्छा खासा है तो दोनों बाजुओं को आप एक साथ में कट कर सकते हैं। तो इसकी जो है सिलवट आपको निकाल लेनी है पूरे कपड़े की।
इस तरह से हमें कपड़े को लेना है और यहां से इस तरह से क्रॉस में बिछाना है कपड़े को। कपड़े को हमें सीधा करना है तो यहां से इस तरह से रखेंगे और सीधा कर देंगे। इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे तो इसमें हमारा जो है कफ लगाया जाता है, तो लंबाई है 24 इंच, 24 में 1 इंच माइनस करके 23 इंच पर हम मार्क करेंगे। यहां पर हम मार्क करेंगे तो यहां पर हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। इसमें जो कफ लगेगा वो हमारा 9 इंच का लगेगा। अब यहां से हम मार्क करेंगे तो इसका जो हमने आर्मोल काटा हुआ था 9.25 इंच काटा हुआ था, तो हम यहां पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 9.5 इंच पर, और यहां पर जो क्रॉस में मार्क करेंगे वो करेंगे 10.25 इंच पर। इसकी सीध में हमारा जो है ये वाला मार्क आना चाहिए, या आप इसको 4.5 इंच ऊपर से डाउन भी कर सकते हैं, 4 इंच भी कर सकते हैं। फिटिंग का मार्क करेंगे तो हम यहां से इस तरह से रखेंगे और फिटिंग का मार्क कर देंगे। इसको ज्यादा हमें लूज में नहीं रखना है और ना ही ज्यादा टाइट में रखना है, तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहां पर अच्छी तरीके से इसमें शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर लेना है। बाजू को खोलकर रखना है और फ्रंट के पार्ट में गड्ढा देना होता है, तो यहां से इस तरह से रखेंगे और गड्ढा दे देंगे फ्रंट के पार्ट में। इसमें चाक पट्टी को कट करेंगे तो यहां से इस तरह से रखना है और यहां से इस तरह से फोल्ड करना है कि इसके भाग 3 भाग बराबर हो जाएं। चाक पट्टी की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच। यहां से और यहां तक कट करना है और यहां पर थोड़ा सा क्रॉस में चटका लगा देना है। तो इस तरह से ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब इसके हमें पॉकेट की कटिंग करनी है, तो जैसे आपको इसमें पॉकेट लगाना है तो आप लगा सकते हैं और जैसे आपको नहीं लगाना है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, तो जैसी आपकी मर्जी हो। तो इसमें हमें पॉकेट लगाना है तो पॉकेट के लिए हम ये इस कपड़े को ले लेते हैं। तो इस कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं, दोनों पॉकेट हम एक साथ में कट कर लेंगे। कपड़े को नीचे से बराबर कर लेते हैं, यहां से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमें पॉकेट की जितनी थैली रखनी है उससे 1/2 इंच प्लस करके बिछाना है, तो हम यहां से इतना फोल्ड कर लेते हैं और यहां से इस तरह से फोल्ड करेंगे। जैसे आपको 5 इंच की इसकी चौड़ाई रखनी है तो इसको 6 इंच में फोल्ड करना है, यानी 1/2 करके 3 इंच फोल्ड करना है। तो यहां से इस तरह से 3 इंच और यहां पर भी 3 इंच, और इसकी जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम 13.5 इंच से लेके 14 इंच तक रख सकते हैं इस तरह से, और यहां पर इस तरह से। यहां पर हमें जो है शेप देनी है तो गोल में रखेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पॉकेट की भी कटिंग हो जाती है, इस तरह से हमारी कमीज की कटिंग हो जाती है। ये हमारा बाजू है, ये पॉकेट है, ये फ्रंट और ये बैक, और ये बैक का तीरा है। तो इस तरह से हम तीरे को रखेंगे, ये मार्जिन है, ये हमारा प्लेटों में चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। यदि आपको इसकी स्टिचिंग अच्छी तरीके से सीखनी है तो इसके नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।